हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स ऑफ क्लास 4, चैप्टर 14, स्मार्ट चार्ट्स। दिस इज़ द पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर। स्टूडेंट्स, इन द पार्ट 1 वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट। सो फॉर मेकिंग द चार्ट वी नीड अ डेटा। ओके, सो डेटा मीन्स वॉट? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड अ डेटा। ओके, कोई पर्टिकुलर थिंग के लिए जो हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? डेटा। और अकॉर्डिंग टू डेटा वी विल प्रिपेयर द चार्ट्स। ओके, और जो डेटा होता है इट्स रिप्रेजेंटेड थ्रू द चार्ट्स। चार्ट्स आर थ्री टाइप्स। हियर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द थ्री टाइप्स ऑफ चार्ट्स, दैट इज द पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ एंड चपाती चार्ट। ओके, सो पिक्टोग्राफ है वो पिक्चर से रिप्रेजेंट होता है, बार ग्राफ रिप्रेजेंट थ्रू द बार्स, एंड द चपाती चार्ट दैट इज अ स्पाई चार्ट। ओके, अनदर नेम इज स्पाई चार्ट दैट रिप्रेजेंट थ्रू द सर्कल। ओके, इट्स लुक लाइक अ राउंड शेप। ओके, लेट्स कंटिन्यू अवर चैप्टर। सो यू ओपन द पेज नंबर 165। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स सी हियर, लेट्स सी दिस फूड वी ईट। चिल्ड्रन वर टॉकिंग अबाउट वॉट थिंग दे ईट इन द मॉर्निंग, यानी वो लोग बातें कर रहे हैं कि वॉट दे आर ईटिंग इन द मॉर्निंग। मेड ऑफ राइस, वीट, मेज़ एंड के बैरले, यानी वो लोग जो है मॉर्निंग में राइस से बनी हुई, वीट से बनी हुई, मेज़ यानी कॉर्न। ओके, बैरले इज़ वन ऑफ द सीरियल्स, उसके बनी हुई चीज़ें मॉर्निंग में दे आर ईटिंग। सो वॉट दे आर डिस्कसिंग, द बॉय सेज आई ईट राइस एंड थिंग्स मेड फ्रॉम राइस, यानी वो राइस खाता है और उसे राइस से बनी हुई चीज़ें खाता है। दिस बॉय सेज आई ईट चपाटीज मेड फ्रॉम वीट, वो वीट से बनी हुई चपाटीज खाता है। नाउ व्हाट द गर्ल सेड, बट आई ईट रोटीज मेड फ्रॉम मेज, मैं रोटी खाती हूँ मेज से बनी हुई, मेज मीन्स कॉर्न। ओके, नाउ व्हाट दिस गर्ल सेड, आई लाइक टू ड्रिंक सत्तू मेड ऑफ बैरले, यानी मुझे सत्तू पसंद है जो बैरले से बना होता है। बैरले मीन्स पता है हम उसे क्या कहते हैं इन गुजराती, व्हाट यू सेड, जौ, राइट। Now my favorite porridge made from ragi, मैं जो मेरा जो porridge है वो मैं रागी से बनता है वो मैं खाता हूँ, right? Ragi means what they say is a bajri, right? So this all are the cereals which they are using in the breakfast. Okay students, now students let's open the next page 166. Find out from your classmate and fill the table. अब आपको ये टेबल अपने क्लासमेट के साथ शेयर करके बनाना है। सो मेन फूड, हियर द मेन फूड नेम हैज़ टू राइट एंड नंबर ऑफ पर्सन्स, यानी यहाँ पे आपको मेन फूड लिखना है, जैसे कि राइस, वीट, मेज, बैरले, देन रागी। ओके, सो दैट मेन फूड नेम हैज़ टू राइट एंड हाउ मेनी पर्सन्स आर ईटिंग दिस काइंड ऑफ फूड। जस्ट नाउ यू आर नॉट कमिंग टू स्कूल, सो I can't ask to anyone, but this activity you can do with the help of your friends. आपके 10-15 friends हो, उसके पूछ के आप ये activity, ये table complete कर सकते हो कि how many friends like the rice, how many friends like wheat and all that. समझ में आया? Your number of friends or that here your number of person that has to write here. Suppose आपके 15 में से 5 friends को rice खाना पसंद है तो यहाँ पर आपको लिखना है 5. Suppose your 10 friends like to eat wheat, यानी चपाती खाना पसंद करते हैं, तो यहाँ पर लिखना है 10. Okay? This kind of you have to write the main food and write the number of person which they like this kind of food. Clear? Let's see students, I have prepared one table according to this. See here, main food is written rice, wheat, maize, barley and ragi. Okay? वो मैंने नेम लिखे है और कितने person को ये पसंद है that also written. 25 persons like to eat rice, 24 persons like to eat wheat, 2 maize, 3 barley and 1 ragi. Okay, इतने लोगों को ये foods अच्छे लगते हैं. Now data collect हो गए हमारे पास, this information which we have collected उसे हम क्या कहेंगे? Data. Okay, the same way मैंने आपको बोला है, आप अपने friends को पूछ के भी आप ऐसे data collect कर सकते हो, ठीक है? Now from this table we need some answers according to this table. Okay, so let's see. यानी ये जो table है उसके related ये question answer दिए है, यानी what is the meaning of to collect the data, कि data पे से हमारे जो question answer है वो हम clear कर सकते हैं, we can get answer very easy and quickly way. Okay,
Now what is given here? Look at the table and tell. Most children eat food made from dash. यानी बहुत सारे बच्चे हैं जो कौन किससे बनी हुई चीज़ खाते हैं. तो हमने यहाँ पे अभी देखा. सो सबसे मोस्ट नंबर यानी हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 25. ओके, इनमें से पर्सन पूछा है ना, तो 25 इज़ द हाईएस्ट. बट विच फूड दे ईट, दैट इज़ द राइस. ओके, तो हम आपको यहाँ पे क्या लिखना है स्टूडेंट्स, व्हाट हैज़ टू राइट हियर? मोस्ट चिल्ड्रन ईट फूड मेड फ्रॉम राइस. तो हम यहाँ पे लिखेंगे RICE राइस. ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? लेट्स सी द नेक्स्ट वन. कंपेयर टू चिल्ड्रन हु ईट राइस, दोज हु ईट व्हीट आर मोर लेस और इक्वल. यानी आपको कंपैरिजन करना है किस में, राइस और व्हीट में. ओके, यानी कंपेयर टू चिल्ड्रन हु ईट राइस, यानी जो राइस खाते हैं, दोज हु ईट व्हीट आर, यानी राइस वाले बच्चे व्हीट से ज़्यादा है, कम है या सेम है, इक्वल है, वो फाइंड करना है. ठीक है, हम यहाँ पे देखेंगे टेबल में. तो राइस वाले बच्चे कितने हैं? 25. और व्हीट वाले कितने हैं? 24. यानी राइस वाले बच्चे ज़्यादा है इन कंपेयर ऑफ व्हीट, राइट? तो आपको कहाँ पे टिक करना है? मोर पे. वेर विल यू टिक? मोर. ओके, तो मोर पे आपको टिक करना है. लेट्स सी द अनदर वन. कंपेयर टू दोज हु ईट व्हीट, चिल्ड्रन ईटिंग रागी आर मोर और लेस. यानी अब यहाँ पे कंपैरिजन किसका आ रहा है? व्हीट और रागी का. यानी जो चिल्ड्रन व्हीट ज़्यादा खाते हैं कंपेयर ऑफ रागी, वो मोर है या लेस है? लेट्स सी द टेबल. हम यहाँ पे देखेंगे, पहले व्हीट वाले बच्चे देखेंगे कितने हैं? 24. और रागी वाले 1. दैट मीन्स व्हीट आर ईटिंग मोर देन रागी. यानी चिल्ड्रन लाइक व्हीट मोर देन रागी. यानी व्हीट अच्छा लगता है बच्चों को रागी के कंपेयर में. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कंपेयर टू दोज हु ईट व्हीट, चिल्ड्रन ईटिंग रागी आर क्या आएगा? मोर. बिकॉज व्हीट वाले कितने बच्चे हैं? 24. और रागी वाले ओनली 1. वन चिल्ड्रन लाइक ओनली रागी, अनदर लाइक द व्हीट. दैट मीन्स व्हीट चिल्ड्रन आर मोर देन रागी. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, फ्रॉम दिस टेबल स्टूडेंट्स यू कैन प्रिपेयर एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशंस, यू कैन गेट एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशंस रिगार्डिंग इट. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन. तो यहाँ पे दिया है प्रिपेयरिंग फॉर द क्लास ड्रामा. ऑल चिल्ड्रन ऑफ अ क्लास आर गेटिंग रेडी फॉर अ ड्रामा. सम चिल्ड्रन आर एक्टिंग, सम आर बिजी कलेक्टिंग ऑफ ड्रेसेस, सम आर ब्रिंगिंग टेबल्स चेयर्स टू मेक द सेट्स. तो यहाँ पे ड्रामा के लिए वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं. ठीक है, तो सब बच्चे हैं वो एक्टिंग कर रहे हैं. देखो, आप देख सकते हो, दे आर वेयरिंग द कॉस्ट्यूम्स ऑल्सो. सम चिल्ड्रन आर कलेक्टिंग ड्रेसेस ऑल्सो. सम ब्रिंगिंग द टेबल्स एंड चेयर्स फॉर मेकिंग सेट. सेट बनाने के लिए वो टेबल्स और चेयर्स ला रहे हैं. सो ड्रामा के लिए वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं. नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वन. 167. द ड्रामा चार्ट. यहाँ पे आपको ड्रामा चार्ट दिया गया है. देखा, अब विच ग्राफ इज दिस? हियर दिस इज द बार ग्राफ, बट हियर बार इज नॉट गिवन, बट द पिक्चर्स आर गिवन. दैट मीन्स हियर पिक्टोग्राफ एंड बार ग्राफ आर गिवन द कम्बाइंड. ओके, दोनों साथ में दिया है. दैट मीन्स यहाँ पे जो पिक्चर्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, दैट शोज अ पिक्टोग्राफ. ओके, बट इट इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ बार. वो बार ग्राफ के फॉर्म में दिया है, बट इट्स एक्चुअली अ पिक्टोग्राफ, राइट? नाउ फर्स्ट वी अंडरस्टैंड द ग्राफ. पहले हम ग्राफ को अंडरस्टैंड करते हैं. उन्होंने जो ड्रामा चार्ट बनाया है वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है? सी, यहाँ पे जो दिखा रहे हैं, यानी ये जो दिखा रहे हैं वर्टिकल लाइन, ओके, दैट इज़ अ नंबर ऑफ चिल्ड्रेन. ओके, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन मीन्स वॉट? दिस शोज, यानी ये जो वन ट्राइंगल है वो क्या शो करता है? 3 चिल्ड्रेन. यानी यहाँ पे दिया है थिंग्स विच रिलेटेड टू द ड्रामा. यानी एक्टिंग, यानी एक्टिंग में कितने बच्चे वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, बिकॉज दिस शोज इज नंबर ऑफ चिल्ड्रेन. यानी ये जो ट्राइंगल है वो चिल्ड्रन शो कर रहा है, और वन ट्राइंगल 3 चिल्ड्रन शो कर रहा है. यानी एक्टिंग में कितने बच्चे? 3, 6 एंड 9. ओके, तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे. दिस आई एम राइटिंग फॉर माई अंडरस्टैंडिंग. समझ में आया? वैसे आपको जब भी पिक्टोग्राफ आए, पहले आप काउंटिंग करके अपने रेफरेंस के लिए पेंसिल से लिख सकते हो. सो यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन आंसर्स वेरी इजीली. ठीक है, नाउ कलेक्टिंग ड्रेसेस. हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर कलेक्टिंग ड्रेसेस? देखा आपने, 3 एंड 3 कितने हैं? 6. क्यों 6 है? वन ट्राइंगल शोज 3 चिल्ड्रन, तो 3 प्लस 3 6 होगा,
नाउ हाउ मेनी चिल्ड्रन आर प्लेइंग म्यूजिक, कितने बच्चे म्यूजिक प्ले कर रहे हैं? सो 3 + 3 = 6, 6 + 3 = 9, 9 + 3 = 12. आपको यहाँ पे क्या लिखना है? 12. ओके, नाउ हाउ मेनी चिल्ड्रन आर डूइंग एक्टिंग, सॉरी हाउ मेनी चिल्ड्रन आर मेकिंग सेट, सेट कितने बच्चे बनाए हैं? 3 + 3 = 6. तो जब भी स्टूडेंट्स आपको पिक्टोग्राफ आए तो आपका जो भी यहाँ पे की दिया हो उसके अकॉर्डिंग पहले आप नंबर पेंसिल से लिख लो. सो आपके लिए क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा. यू कैन गेट योर इन्फॉर्मेशन वेरी ईजीली, राइट? नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन आंसर. नाउ हाउ मेनी चिल्ड्रन आर एक्टिंग इन द ड्रामा, यानी कितने बच्चे हैं जो ड्रामा में एक्टिंग कर रहे हैं एक्टिंग के लिए. सी, एक्टिंग के लिए कितने बच्चे हैं स्टूडेंट्स? हमने यहाँ पे काउंट ऑलरेडी कर लिया है 9. तो यहाँ पे क्या पूछा है? हाउ मेनी चिल्ड्रन आर एक्टिंग इन द ड्रामा, डैट मीन्स 9. तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? 9. ठीक है, हमने यहाँ पे जब काउंटिंग कर लेंगे तो हमें बहुत ईजिली आंसर्स मिल जाएंगे. लेट्स सी, विच आर मोर, चिल्ड्रन मेकिंग द सेट्स और दोज एक्टिंग, यानी कौन से ज़्यादा है, जो सेट बना रहे वो या एक्टिंग कर रहे वो. ओके, तो हम देखेंगे पहले एक्टिंग वाले बच्चे कितने हैं? 9. और दोज आर मेकिंग द सेट, डैट इज 6, राइट? तो विच चिल्ड्रन आर मोर, एक्टिंग चिल्ड्रन आर मोर देन मेकिंग सेट. ओके, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है? एक्टिंग. ओके, तो हमें एक्टिंग को टिक कर रहे हो. आप चाहो तो बाजू में एक्टिंग भी लिख सकते हो. ठीक है, वॉट विल कम नेक्स्ट? सी, वॉट इज बींग डन बाई द मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन, वॉट इज बींग डन बाई द मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रेन. सी, तो सबसे ज़्यादा बच्चे क्या कर रहे हैं? मोस्ट ऑफ, मोस्ट मीन्स ज़्यादा, क्या कर रहे हैं? सबसे ज़्यादा नंबर कहाँ पे हैं? 12, दैट मीन्स दे आर डूइंग प्लेइंग म्यूजिक. ओके, तो आपको यहाँ पे जो आंसर है, वॉट इज बीइंग डन बाय मोस्ट चिल्ड्रन, आपको यहाँ पे क्या लिखना है? प्लेइंग म्यूजिक. म्यूजिक समझ? ओके, playing music. This is answer for C. Now let's see the D one. How many children are collecting dresses? कितने बच्चे हैं जो dress collect कर रहे हैं? तो कितने बच्चे collecting dresses वाले, हमने already count कर लिए, that is 6. तो आपको यहाँ पर लिखना है 6. Clear? समझ में आ गया? तो ये pictograph है, तो वैसे आपको जो key दिया है उसके according आप पहले नंबर्स लिख लो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड देन यू सॉल्व द आंसर्स, यू विल गेट आंसर्स वेरी क्विकली. क्लियर? समझ में आ गया स्टूडेंट्स? लेट्स सी द नेक्स्ट पेज. नाउ 168, वी डोंट हैव टू डू दिस एक्सरसाइज, लेट्स स्टार्ट दिस वन. चपाती चार्ट. ओके, चपाती चार्ट का व्हाट इज अनदर नेम ऑफ चपाती चार्ट? दैट इज द पाई चार्ट. ओके, इट्स इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द चपाती चार्ट और पाई चार्ट. ठीक है, नाउ ऑल चिल्ड्रेन ऑफ अ स्कूल टेक पार्ट इन डिफरेंट क्लब्स, यानी स्कूल के जो बच्चे हैं वो डिफरेंट क्लब्स में पार्टिसिपेंट कर रहे हैं. ठीक है, द चपाती चार्ट शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन डिफरेंट क्लब, यानी जो चार्ट है वो स्कूल के बच्चों अलग अलग जगह पे जहाँ पार्टिसिपेंट कर रहे हैं उसके फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया है. देखो, आप कलर से आइडेंटिफाई कर सकते हो. कैन यू सी दैट? सी, यहाँ पे जो लाइन दिया है मिडल लाइन, राइट? यहाँ पे जो मिडल लाइन दिया है आप देख सकते हो मिडल लाइन, दैट मीन्स दिस पार्ट शोज द गेम्स क्लब, यानी दिस मेनी स्टूडेंट्स आर इन द गेम्स क्लब. कैन यू सी दिस पर्पल पार्ट? दैट शोज द गार्डन क्लब. ओके, सम स्टूडेंट्स हैव पार्टिसिपेट इन द गार्डन क्लब. एंड हियर दिस, कैन यू सी दिस ग्रीन कलर? दैट इज द ड्रॉइंग क्लब. ओके, सो दिस आर द, दिस चार्ट रिप्रेजेंटेड ऑल चिल्ड्रंस एक्टिविटी. नाउ स्टूडेंट्स, कैन यू सी दैट गेम्स क्लब मीन्स हाउ मेनी पार्ट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द गेम्स क्लब? कैन यू आइडेंटिफाई द फ्रैक्शंस? हम फ्रैक्शंस हमने सीखा है ना हाफ्स एंड क्वार्टर्स में. सो ये जो सर्कल है, ये सर्कल का मिडल से पार्ट किया है, दैट मीन्स हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ दिस, दिस इज कॉल्ड द हाफ. Which fraction is that? Is a half. क्या कहेंगे स्टूडेंट्स उससे? हाफ कहेंगे, 1/2. ओके, 1/2 इज हाफ. देखा आपने, एग्जैक्टली मिडल में है. नाउ स्टूडेंट्स सी दिस, कैन यू सी दिस पर्पल एंड ग्रीन कलर? ये दूसरा हाफ है, ये हाफ है, तो दिस इज ऑल्सो हाफ. मतलब हाफ में भी उसको आधे से हाफ कर दिया है.
देखा आपने, ये जो हाफ है उसका ये भी हाफ है, दो हाफ मिलके वन सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, वन बन जाएगा, ओके। बट ये हाफ है, हाफ का भी हाफ हो गया है, दैट मीन्स वन जो पर्पल है एंड ग्रीन पार्ट है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन फॉर दैट, उसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन, दैट इज़ द 1/4, ओके। हाफ का भी हाफ होता है वो क्या होता है, 1/4, एंड जो ये ग्रीन है उसका भी फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1/4। सो स्टूडेंट्स आपको पता है दो 1/4 मिलके क्या बनेगा, हाफ बनेगा, एंड टू हाफ जो है वो मिलके क्या बनेगा, 1, क्लियर। सो ये 1 सर्कल है उसके ही डिफरेंट पार्ट किए गए हैं, दैट मीन इट शोज द फ्रैक्शंस, क्लियर स्टूडेंट्स, फ्रैक्शंस तो क्लियर है ना, हमने सर्कल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स किए, तो वी हैव टू आइडेंटिफाई द फ्रैक्शन, दैट मीन्स हाफ स्टूडेंट्स हैव जॉइंड द गेम्स क्लब, 1/4 स्टूडेंट्स जॉइंड द गार्डन्स क्लब एंड 1/4 स्टूडेंट जॉइंड द ड्राइंग क्लब, ठीक है। लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट पेज, फ्रॉम द पिक्चर वी कैन सी दैट, ओके, मैंने जैसे आपको समझाया कि हाफ चिल्ड्रन ने वो गेम्स क्लब में पार्ट लिया है, 1/4 चिल्ड्रन ने गार्डन क्लब में पार्ट लिया है एंड ड्राइंग क्लब में, 1/4 चिल्ड्रन में ड्राइंग क्लब में पार्ट लिया है, क्लियर। सो नाउ स्टूडेंट्स वी हैव टू फाइंड द नंबर्स नाउ, इफ देर आर 200 स्टूडेंट्स इन द स्कूल, लुक एट द अबो चपाटी चार्ट एंड टेल द नंबर ऑफ मेंबर्स इन ईच क्लब, यानी ये जो चार्ट है वो कितने बच्चों पे बनाया गया है स्टूडेंट्स, सी दिस स्टूडेंट्स, ये जो चार्ट है हमारे पास ये कितने बच्चों पे बनाया गया है, इट्स अ 200 स्टूडेंट्स पे बनाया गया है, राइट, यानी ये जो पूरा चार्ट है वो 200 स्टूडेंट्स को डिवाइड करके बनाया गया है। सो स्टूडेंट्स अगर हम 200, लेट्स सी नेक्स्ट वन, नाउ द गेम्स क्लब हैज़ डैश मेंबर, अब आपको ये जो 200 टोटल है उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि गेम्स क्लब में अब मेंबर्स कितने हो गए, दैट मीन्स हमने फ्रैक्शन टू फाइंड कर दिया, नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर्स, हाउ मेनी मेंबर्स आर इन द गेम्स क्लब, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर इन द गेम्स क्लब, राइट। तो हम देखेंगे यहाँ पे गेम्स क्लब का कितना फ्रैक्शन है, हाफ, मीन्स ये सर्कल 200 का है तो हाफ कितना हो जाएगा, 200 का हाफ कितना होगा, 100, ओके, ईजी है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 100, समझ में आया कैसे किया मैंने, देखो कैसे कर सकते, 200 मल्टीप्लाई हाफ कर दो, और ओरली भी आप कर सकते हो कि 200 का हाफ कितना होता है, तो 100 होता है, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आता तो 200 मल्टीप्लाई हाफ कर दो, यानी 2 को 200 से डिवाइड करो, 200 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 100, यू कैन फाइंड लाइक दिस वे ऑल्सो, क्लियर, ओरली भी कर सकते हो। नाउ द गार्डन क्लब हैज़ डैश मेंबर, अब आपने हमने फ्रैक्शन तो फाइंड कर लिया कि गार्डन क्लब का फ्रैक्शन क्या है, 1/4 है, पर मेंबर्स कितने हैं, तो मेंबर्स 200 है, राइट, अब उसका हम 1/4 फाइंड करेंगे, सो 200 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 1/4। स्टूडेंट्स अगर आपको ऐसे नहीं करना है तो ओरली कैसे हो सकता है, देखो 200 का आपने हाफ कर दिया तो 100 आ गया, अब 1/4 मीन्स हाफ का भी हाफ, यानी 100 का हाफ कितना हो जाएगा, 50, सो वी कैन डू ओरली ऑल्सो 50 हो जाएगा, इफ़ यू डोंट गेट इट लाइक दिस यू डू लाइक दिस, 200 मल्टीप्लाई 1/4 करोगे ऑल्सो, यानी 200 डिवाइड बाई 4 करेंगे, वॉट आंसर विल कम स्टूडेंट्स, दैट ऑल्सो विल कम 50, सो यू कैन डू बोथ द वेज, इफ़ यू गेट ओरली सो यू कैन डू इट ओरली एंड इफ़ यू वॉन्ट टू डू विद द मैटर सो यू कैन डू इट, बिकॉज दिस इज अ ब्लैंक, यू कैन डू ओरली ऑल्सो। नाउ दिस आर डैश मेंबर्स इन द ड्राॅइंग क्लब, अब ड्राॅइंग क्लब में कितने मेंबर हैं, तो हम देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे, देखो ड्राॅइंग क्लब में भी 1/4 फ्रैक्शन है, राइट, तो अभी हमने 1/4 के लिए ऑलरेडी फाइंड कर दिया है कितने हैं, 50। स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया, हम इन तीनों का टोटल करेंगे, 200 हो जाएगा, 100 प्लस 50 प्लस 50, लेट्स सी हियर, ये जो सर्कल है हाफ, यानी यहाँ पे 100, सी यहाँ जो हाफ है वो 100, दिस गार्डन्स क्लब मेंबर 50 एंड ड्राइंग क्लब 50, यानी 200 हो गया, यानी ये जो सर्कल बना है वो 200 मेंबर्स से बना है, 200 चिल्ड्रन से बना है, क्लियर। तो अगर आपको कभी भी नंबर फाइंड करने हो तो फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई द फ्रैक्शंस एंड देन यू हैव टू फाइंड द नंबर्स, क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट वन, सी हियर, गेटिंग वेट इन अ रेन, यानी बच्चों को भीगना अच्छा लगता है,
Now, who likes to get wet in the rain? A children made this chapati chart after asking his friend. यानी किसको बारिश में भीगना अच्छा लगता है और किसको नहीं अच्छा लगता है, उसके रिलेटेड बच्चों ने फ्रेंड्स को पूछ के ये चपाती चाट बनाया है. देखो, कैन यू सी दिस चाट? दोस हु लाइक टू गेट वेट इन रेन, यानी ये जो पोर्शन है ग्रीन वाला, वो इतने बच्चों को बारिश में भीगना अच्छा लगता है. कैन यू सी दिस ब्लू वन? दिस दोस हु डोंट लाइक टू गेट वेट इन रेन, जो बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, दैट स्टूडेंट्स आर शोइंग इन दिस एरिया. ओके, नाउ सी द चपाटी चार्ट एंड टेल हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक टू गेट वेट इन द रेन. यानी यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि कितनों बच्चों को बारिश में भीगना अच्छा लगता है. हाफ, वन फोर्थ एंड थ्री फोर्थ. ओके, तो हमें फ्रैक्शन फाइंड करना है कि व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ दिस एरिया, यानी जो ग्रीन वाला है वो कितना होगा. स्टूडेंट व्हाट यू से, लेट्स सी. देखो यहाँ पे हम पहले उसके इक्वल पार्ट्स बना देते हैं, राइट. सर्कल के मैंने फोर इक्वल पार्ट्स बना दिए. सो दिस इज वन, फोर इक्वल पार्ट, दैट मीन्स ईच पार्ट शोज वन फोर्थ, राइट. हर एक पार्ट क्या शो कर रहा है, वन फोर्थ, राइट स्टूडेंट्स. यानी ये बाकी के जो है वन टू एंड दिस वन इज वन टू एंड थ्री, सो दिस फ्रैक्शन इज कॉल्ड द थ्री फोर्थ. उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, थ्री फोर्थ. ओके, सो यानी द चिल्ड्रन हु लाइक टू गेट वेट इन रेन, दैट इज द थ्री फोर्थ. क्लियर हो गया, क्योंकि हमारे पास एक फोर्थ वाला फ्रैक्शन था तो मैंने इक्वल फोर्थ पार्ट बना दिए, इसलिए मैंने डिनोमिनेटर में क्या लिखा, फोर. जितने टोटल पार्ट्स हो वो डिनोमिनेटर में लिखते हैं ना, और जितने पार्ट्स हमें वी हैव टू टेकन आउट उसे हम न्यूमरेटर में लिखते हैं. लाइन के अबोव नंबर को हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और बिलो नंबर को डिनोमिनेटर कहते हैं. डिनोमिनेटर शोज द टोटल पार्ट्स. ओके, दैट मीन्स यहाँ पे आएगा थ्री फोर्थ. नाउ हाउ मेनी चिल्ड्रन डू नॉट लाइक टू गेट वेट रेन, यानी वो एक ही पार्ट है, दैट इज द वन फोर्थ. क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है. ओके, लेट्स सी ऑन द नेक्स्ट पेज 169. नाउ वी हैव फाइंड द फ्रैक्शन बिफोर इट, नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर्स. नाउ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन क्लास इज 28, टेल द नंबर ऑफ चिल्ड्रन. तो अब यहाँ पे क्या करना है, 28 स्टूडेंट्स है, ठीक है. तो आपको फाइंड करना है कि कितने बच्चों को रेन में भीगना अच्छा लगता है और कितने को नहीं लगता है, वो फाइंड करना है. अभी हमने जो यहाँ पे फाइंड किया वो क्या था, फ्रैक्शन था, फ्रैक्शन फाइंड किया. अब फ्रैक्शन पे से हम नंबर फाइंड करेंगे कैसे. देखो यहाँ पे 28 है स्टूडेंट्स, 28 मल्टीप्लाई क्या करेंगे, द चिल्ड्रन हु लाइक टू गेट मेड रेन, उसके लिए हमने कौन सा फ्रैक्शन लिखा था, थ्री फोर्थ. ओके, तो कैसे करेंगे, आपको मैंने दिखाया था ना सॉल्व द फॉलोइंग कैसे करना है. सो 28 डिवाइड बाई 4 करें, यानी 4 के टेबल में 28 कब आएगा, 4 7 जार 28. हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7. क्लियर, आई एम डूइंग डायरेक्टली. नाउ 7 एंड 3 इज इन न्यूमरेटर, दोनों न्यूमरेटर में, तो जस्ट मल्टीप्लाई कर लो, तो आंसर क्या आएगा, 21. 7 मल्टीप्लाई 3 करेंगे आंसर 21 आएगा. दैट मीन्स 21 चिल्ड्रन लाइक टू गेट वेट इन रेन, यानी यहाँ पे जो चार्ट बताया है वो 28 स्टूडेंट्स है यहाँ पे, राइट. उसमें से 21 स्टूडेंट्स को बारिश में भीगना अच्छा लगता है. नाउ लेट्स सी नेक्स्ट स्टूडेंट. नाउ हु डू नॉट लाइक टू गेट वेट रेन, अब कितने बच्चों को अच्छा नहीं लगता है, तो उसके लिए हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन है, 1/4. यानी 28 मल्टीप्लाई क्या कर लेंगे, 1/4 कर लेंगे, ठीक है. अगेन 4 के टेबल में 28 का आता है, 7 जा 4 7 जा 28, एंड न्यूमरेटर न्यूमरेटर रिलेशन मल्टीप्लीकेशन, 7 मल्टीप्लाई 7 7. सो यानी 7 बच्चों को बारिश में भीगना अच्छा नहीं लगता है. यानी आप जब फ्रैक्शन फाइंड कर लो सो यू कैन फाइंड द नंबर वेरी इजीली. समझ में आया, जब भी आपके पास चपाटी चार्ट हो, वेन एवर यू आर हैविंग द चपाटी चार्ट, फर्स्ट यू फाइंड द फ्रैक्शंस एंड अकॉर्डिंग टू द फ्रैक्शन यू हैव टू, जो भी नंबर दिया है उसके पास वो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करके यू गेट द नंबर. क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है. नाउ स्टूडेंट्स दिस इज द सेम एक्सरसाइज विच आई एक्सप्लेन यू, सो दिस आई गिवन एज अ होमवर्क. ओके, ये मैं आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ. दिस गिवन ऑन द पेज नंबर 170, दिस इज ऑन लास्ट पेज. तो ये आपको होमवर्क में करना है. ओके, एंड यू हैव टू सेंड दिस आंसर इन द कमेंट बॉक्स. ओके, एंड दिस एक्सरसाइज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो. ये एक्सरसाइज आपको कमेंट में आंसर लिख के भेजने हैं कि वॉट आंसर विल कम हियर. टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन है तो अच्छे से लिख के भेजना है, ठीक है. एंड यहाँ पे क्या आंसर आएगा वो भी आपको लिख के भेजना है. सो नाउ यू ओपन द टेक्स्ट बुक पेज नंबर 170. दिस पेज आई गिवन इज अ होमवर्क. ओके,
सो मुझे लगता है कि आप लोगों ने ये कर लिया होगा, सो आपका मोर क्लैरिफिकेशन हो जाए इसलिए मैं आपको ये समझा रही हूँ, ठीक है। सो व्हाट इज़ गिवन हियर स्टूडेंट्स, टी कॉफ़ी और मिल्क। सम चिल्ड्रेन वर आस विच ऑफ दिस डे लाइक मोस्ट, टी कॉफ़ी और मिल्क। यानी बहुत सारे बच्चों को पूछ के ये बनाया गया है डेटा, यानी ये डेटा ऑलरेडी कलेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। द ड्रिंक दे लाइक मिल्क, सो हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक मिल्क, 20। यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ चिल्ड्रन, दैट मीन्स दिस नंबर शोज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ओके, दैट मीन्स 20 चिल्ड्रन लाइक मिल्क, 10 चिल्ड्रन लाइक कॉफ़ी एंड 10 चिल्ड्रन लाइक टी, ओके। दिस इज़ द डेटा विच ऑलरेडी प्रोवाइडेड। नाउ वी हैव टू मेक द चार्ट एंड वी हैव टू सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स अकॉर्डिंग टू इट। सो फर्स्ट यू हैव टू राइट हियर टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। सो व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, दैट इज 20 प्लस 10 30 प्लस 10 40। सो व्हाट हैज़ टू राइट हियर स्टूडेंट्स, 40, राइट। नाउ व्हाट इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल चिल्ड्रेन हु लाइक मिल्क आर हाफ और 1/4 ऑफ द टोटल चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन हु लाइक कॉफ़ी आर हाफ और 1/4 ऑफ द टोटल चिल्ड्रेन, वो हमें ये फाइंड करना है ये टेबल पे से। स्टूडेंट्स वी कैन डू फ्रॉम द टेबल डायरेक्टली ऑल्सो, बट हियर शो द लाइकिंग फॉर टी कॉफ़ी और मिल्क इन चपाती चार्ट। हमें यहाँ पर चपाती चार्ट भी ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स। इफ़ यू ड्रॉ द चपाती चार्ट यू विल गेट आंसर वेरी क्विकली, सो लेट्स डू इट फर्स्ट चपाती चार्ट। सो स्टूडेंट्स चपाती चार्ट मीन्स वी हैव टू ड्रॉ द सर्कल्स, ओके, दिस इज द सर्कल, राइट। हियर वी हैव टू शो द टी कॉफ़ी और मिल्क पार्ट्स, ठीक है। सो दिस चार्ट इज मेड अप ऑफ 40 चिल्ड्रेन बिकॉज टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रेन आर 40। और वॉट इज गिवन हियर, मिल्क, हाउ मेनी चिल्ड्रन लाइक मिल्क, 20, दैट मीन्स वॉट इज द हाफ ऑफ 40, ये जो सर्कल है वो 40 के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। अब उसमें से हम मिल्क का, कॉफ़ी का और टी का अलग अलग पार्ट बनाएंगे, दैट मीन्स वी विल मेक द फ्रैक्शंस, राइट, इक्वल। हमें यहाँ पे हमारे अकॉर्डिंग डिफरेंट पार्ट्स बनाने हैं, ठीक है। तो मिल्क कितने बच्चों को पसंद है, 20, और 20 मीन्स व्हाट, 40 का हाफ 20 होता है, दैट मीन्स फर्स्ट वी हैव टू मेक द हाफ ऑफ सर्कल, यानी ये हाफ बना दिया, यानी ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, एम फॉर मिल्क, ओके, यानी ये वाला जो पोर्शन है वो मिल्क है। सी स्टूडेंट दिस पोर्शन इज अ मिल्क, आई हैव जस्ट रिटन एम ऑन इट, ठीक है। नाउ वी हैव टू मेक द पार्ट फॉर कॉफ़ी एज वेल एज टी ऑल्सो। सो नाउ दिस इज 20, ओके, दिस इज 20, नाउ दिस रिमेनिंग 20, उसमें हमें कॉफ़ी के 10 और टी के 10, यानी 20 का हाफ 10 हो जाएगा, यानी हाफ का भी हमें हाफ बनाना पड़ेगा। लेट्स सी, अब हम यहाँ पे हाफ का भी हाफ बना देंगे, यानी यहाँ पे कितने बच्चे हैं, 20, हियर 10 एंड हियर 10, यानी जो 10 है वो कॉफ़ी के लिए है और ये जो 10 है वो टी के लिए है, हो गया 20 प्लस 10 30 प्लस 40, ये चार्ट बन गया, हमने अच्छे से डिवाइड कर लिया, अब चपाती चार्ट इज़ रेडी। सो दिस नंबर यू डोंट हैव टू राइट इट, जस्ट आई एम रिटन फॉर योर एक्सप्लेनेशन। आपको क्या लिखना है, मिल्क लिखना है, यहाँ पे जो पोर्शन बना है वो कॉफ़ी लिखना है और यहाँ पे टी लिखना है, ठीक है। आपको समझ में आया क्यों मैंने ऐसा बनाया, टोटल चिल्ड्रन कितने हैं, 40, यानी ये जो सर्कल है वो 40 पे बना है, मिल्क वाले बच्चे कितने हैं, 20, यानी 40 का हाफ 20 हो जाएगा, यानी हम सर्कल का हाफ बना दें, यानी ये जो हाफ वाला पार्ट है वो 20, यानी मिल्क द चिल्ड्रन हु लाइक मिल्क उसके लिए बनाया है, बाकी का 20 बचा उसमें हमें कॉफ़ी और टी को करना है, बिकॉज 20 का हाफ क्या होता है, 10, यानी हाफ का भी हाफ है, यानी ये कितना फ्रैक्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो फ्रैक्शन क्या है, 1/4, और टी के लिए भी 1/4 फ्रैक्शन है, समझ में आया, क्लियर। नाउ आवर क्वेश्चन, लेट्स सॉल्व आवर क्वेश्चन, चिल्ड्रन हु लाइक मिल्क आर हाफ और 1/4 ऑफ द टोटल चिल्ड्रन, यानी टोटल 40 चिल्ड्रन में जिसको मिल्क पसंद है वो हाफ है या 1/4 है, तो आपको पता चल गया, देखो आप चार्ट पे से आइडेंटिफाई कर सकते हो, 20 मीन्स वो क्या हो गया, हाफ, तो हमें कहा किस पे टिक करना है, हाफ के ऊपर, ठीक है, हमें हाफ के ऊपर टिक करना है। लेट्स सी नेक्स्ट वन, चिल्ड्रन हु लाइक कॉफ़ी आर हाफ और 1/4 ऑफ टोटल चिल्ड्रन, अब आपको पता चल गया ये जो हाफ बचा था उसके भी हमने हाफ बना के कॉफ़ी का फ्रैक्शन निकाला है, क्योंकि उसके कितने बच्चे थे, 10, ये पूरा 20 है, तो 10 के लिए हमें उसका भी हाफ करना पड़ेगा, यानी ये कितना, ये फ्रैक्शन क्या हो गया, 1/4, ओके, समझ में आया, हम यहाँ पे क्या टिक करेंगे, कॉफ़ी के लिए कितना फ्रैक्शन है, 1/4, क्लियर स्टूडेंट्स,
ये चार्ट आपको यहाँ पे जो जस्ट स्पेस प्रोवाइड किया है वहाँ पे आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। यू कैन टेक अ कंपास एंड ड्रॉ द सर्कल, अदरवाइज यू कैन टेक एनी राउंड ऑब्जेक्ट एंड ट्रेस इट ऑल्सो, ठीक है, दैट इज़ ओके। बट यू मेक द पार्ट्स ऑफ दिस मिल्क कॉफ़ी एंड टी, इट शुड बी प्रॉपर। मिल्क कॉफ़ी और टी के लिए आप पार्ट्स अच्छे से बनाने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ लेट्स मोर अंडरस्टैंड अबाउट द ग्राफ। होप यू अंडरस्टैंड दिस बोथ द चार्ट्स प्रॉपरली। डू मोर प्रैक्टिस। थैंक यू।